और अब बात करते हैं एक ऐसी लापरवाही की जिसने 3 साल के मासूम बच्चे की जान ले ली। यह खबर यूपी के फिरोजाबाद से है। यहाँ पर सिरसागंज में एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के चलते 3 साल के बच्चे की जान चली गई। मासूम की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक पर हंगामा किया, यहाँ तक कि डॉक्टर्स के सहयोगी की भी खूब पिटाई भी की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत करने की कोशिश की गई। कहा यह जा रहा है कि मासूम की मौत डॉक्टर के गलत इंजेक्शन की वजह से हुई थी। फिलहाल डॉक्टर फरार बताया जा रहा है और इसमें हैरानी की बात यह भी है कि हंगामा कर रहे परिजनों ने अब तक डॉक्टर के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। एक छोटा बच्चा था 3 साल का, मैनपुरी के सोत्रा गाँव का रहने वाला था जान मामला। वो 3-4 डॉक्टरों को दिखाने के बाद ले आए थे, ये सीरियस था। उसको ये बताया गया है कि पीलिया भी था और फीवर भी था, एनेमिक भी था। तो डॉक्टर ने जिनके यहाँ ट्रीटमेंट हुआ उन्होंने इनको ये कहा कि आप, ये सीरियस बच्चा है और आप किसी दूसरी जगह भी ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन परिवार वालों ने जोर दिया कि नहीं, आप उपचार करिए इसका, और उस दौरान उपचार उस बच्चे की मौत हो गई। बाद में जो मृतक बच्चा है उसके पिता ने तहरीर दी कि उपचार के दौरान इसकी मौत हुई है, इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं और इसके कारण ये मैटर समाप्त हो गया।